नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधिवेश और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। तो चलिए, वक्त हो गया है सुबह की कुछ मुख्य खबरों का, आइए शुरू कर लेते हैं पहली खबर से। इलेक्शन कमीशन ने राष्ट्रपति चुनाव का किया ऐलान, आज से ठीक 43 दिनों के बाद भारत को मिलेगा नया राष्ट्रपति, 18 जुलाई को होगा चुनाव। दिल्ली यूपी में झुलसा रही गर्मी, 42 शहरों में तापमान 44 के पार पहुंचा, अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावना। शहीदों को नमन करने निकला यूपी का 11 साल का देवप्राशर, अब तक 1.8 लाख किलोमीटर का सफर तय कर 2200 शहीदों के घर जाकर राष्ट्र ध्वज भेंट कर चुका है। नए कोरोना केस में महाराष्ट्र फिर टॉप पर, पिछले 24 घंटे में 2813 पॉजिटिव मिले, अकेले मुंबई में 1700 से ज्यादा संक्रमित। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को पकड़ा, टारगेट किलिंग की फिराक में थे, दोनों की पहचान फैजान अहमद पोल और मुजामिल राशिद मीर के तौर पर हुई। आज गुजरात दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य को देंगे 3050 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की सौगात, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। सलमान खान को धमकी देने के मामले में सिद्धू मूसेवाला केस में वांटेड, महाकाल से पूछताछ करेगी मुंबई पुलिस, कल हुई थी महाकाल की गिरफ्तारी। हिंदुत्व हमारी हर सांस में है, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा जाएगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। तो फिलहाल आज की इन मुख्य खबरों में बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।